हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। अनुपात समानुपात के पार्ट चार में आपका स्वागत है। सवाल नंबर चार चल रहा है, या फिर आप टाइप भी समझ सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर बी का 4/5, बी बराबर सी का 2/3, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है जो तीसरा सवाल था। इसमें क्या करेंगे, देखिए सीधा सीधा डायरेक्ट समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, जो ऊपर की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। ए की वैल्यू ऊपर वाली रहेगी, यहाँ पर क्या है B की वैल्यू 5 रहेगी। ये आया कैसे, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए A यहाँ पर, ये जो का है इसकी जगह गुणा है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर ऊपर क्या वैल्यू होगी 4B, ठीक है, या फिर B गुणे 4 समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बीच में बराबर है तो क्रॉस गुणा आता है, क्रॉस गुणा आता है, यानी कि A और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, A गुणे 5, ठीक है, बराबर B गुणे 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में ए बटे बी, ठीक है, और यहाँ पर 4/5, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझिए, ए अनुपात बी 4/5, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो पहली वाली पहली वैल्यू, जो दूसरा है वो उसकी दूसरी वैल्यू, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसे निकला, सीधे डायरेक्ट, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, उसी तरीके से होगा। अब हम लोग पता तो चल गया कि कौन कौन सी वैल्यू है, ए अनुपात बी अनुपात सी है, ठीक है। तो ए यहाँ पे लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, ठीक है। अब ये वाली लाइन आ जाते हैं, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, नीचे वाली लाइन में करेंगे 2, ठीक है। सी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे, ठीक है, सी की वैल्यू के नीचे सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात लगाएंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी संख्याएँ आएंगी। कौन सी संख्या आएगी, इसी को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर इसे गुणा करेंगे, 4×8 अनुपात, 5×10 अनुपात, 5×3=15। सवाल हो गया आपका, ठीक है। किसकी वैल्यू थी, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 15, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।